ये वो देख वो देख वो देख वो देख कि हरियाणा के हर गांव हर शहर हर मोहल्ले और हर घर में अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। लोगों के समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है। ये क्या बात करते हैं यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दोस्तों, बीजेपी पार्टी के नेता मंत्री आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ अपने ही गलतियों के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। वहीं इसी बीच हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा के हर गाँव हर शहर के हर मोहल्ले और हर घर में लोगों की समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है, हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर घर में लोगों के समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है, हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा में अपने कार्य को ईमानदारी से और सफलतापूर्वक से आगे बढ़ाने को कह रहे थे, लेकिन इतने में ही वे कुछ और ही बोल गए। वहीं अब इस वीडियो को सुनने के बाद लोग मंत्री जी की फजीहत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत जी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से हरियाणा के लोगों की समस्या को बढ़ाया है, हम इसे और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री आज विधानसभा में, सच बोलने के लिए 10 में से 10। जोगराज राठौर ने मंत्री जी पर तंज कसते हुए लिखा, खट्टर साहब वाले समस्या हम आगे बढ़ाएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री। एक अन्य यूजर ने लिखा, यह परम सत्यवादी भारतीय जनता पार्टी में कहां से आया, जिस पार्टी का नाम ही लोगों ने भारतीय झूठा पार्टी कर दिया, उसमें इतना सच बोलने वाला नेता मुख्यमंत्री कैसे बना। फिलहाल हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी के इतना सच बोलने पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।